हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एकदम टकाटक हूँ, जोरदार हूँ, मस्त हूँ और आई थिंक आप भी मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। अपना जो टॉपिक चल रहा था, टॉपिक की बात करेंगे बेटा। अपन पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेटा, स्थिर वैद्युत की, और उसके अंदर बहुत से टॉपिक अपन ने कर लिए थे। और लास्ट क्लास में जो अपन ने डिस्कस किया था वो क्या था, इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में बेटा, वैद्युत द्विध्रुव के बारे में। तो एक बार उसको फास्टली रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद में आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बता दूं बेटा, इलेक्ट्रिक डायपोल वैद्युत द्विध्रुव क्या था, तो उसमें कहा था दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति की आवेश परस्पर अल्प दूरी पर उपस्थित हो तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल वैद्युत द्विध्रुव। दूसरी बात की थी बेटा डायपोल मोमेंट की, द्विध्रुव आघूर्ण की, तो द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है पी, वो होता है द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के तुल्य, P बराबर Q इंटू टू ए। ये द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश भौतिक राशि है जिसकी दिशा माइनस Q से प्लस Q की तरफ होती है। इसके बाद में अपने डिस्कस किया था द्विध्रुव की अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उसके लिए फॉर्मूला आया था एक्सिस पे 2kp/r³, और फिर देखा था निरक्ष पे तो उसके लिए आया था kp/r³। क्लियर। ये भी देखा था ई एक्सिस अपॉन ई निरक्ष का रेशियो पूछा जाता है, तो वो आता 2:1, 2:1। फिर इसके बाद में अपन ने इस इलेक्ट्रिक डायपोल को समरूप वैद्युत क्षेत्र में रखा, और समरूप वैद्युत क्षेत्र में उनके साथ कौन कौन सी घटनाएं घट सकती है वो भी अपन ने देखा। तो उसमें सबसे पहले बात की थी, जब भी किसी द्विध्रुव को समरूप वैद्युत क्षेत्र में रखते हो तो उस पर लगने वाला परिणामी वैद्युत बल जो होता है वो हमेशा और हमेशा शून्य होता है समरूप वैद्युत क्षेत्र में। ध्यान रखना, अगर असमरूप वैद्युत क्षेत्र है तो वहां पर कोई ना कोई वैद्युत बल आएगा। तो समरूप वैद्युत क्षेत्र के अंदर उस पर लगने वाला वैद्युत बल जो होता है वो शून्य होता है। अब यहां पर दो अलग अलग सिचुएशन आ सकती है कि यदि द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी इंक्लाइन प्लेन पे रखा गया, किसी थीटा कोण पे, वैद्युत क्षेत्र के साथ किसी थीटा कोण पे रखा हुआ है, तो उस केस में उस पर लगने वाले जो बल होते हैं वैद्युत बल वो समक्षीय न होकर समानांतर होते हैं, तो वहां बल आघूर्ण की स्थिति उत्पन्न होती है। और बल आघूर्ण जो टॉ आता है, अपन ने प्रूव किया था, उसकी वैल्यू आती है बेटा पी वैक्टर क्रॉस ई वैक्टर, पी क्रॉस ई, या फिर पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा। क्लियर। ये अपन ने देख लिया था बल आघूर्ण। और वहां पर भी अपन ने अलग तीन स्थितियां देखी थी, एक 0 डिग्री की, एक 90 डिग्री की, और एक देखी थी 180। 0 डिग्री जो थी वहां पर बल और बल आघूर्ण दोनों ही शून्य होते हैं, स्थायी साम्य अवस्था की स्थिति होती है, क्योंकि उस केस में पोटेंशियल एनर्जी का मान मिनिमम होता है। दूसरी कंडीशन अपन ने देखी थी 90 डिग्री पर, तो 90 डिग्री पर बल वैद्युत बल तो शून्य होता है पर बल आघूर्ण का मान अधिकतम होता है क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री आता है। और थर्ड कंडीशन देखी थी बेटा 180 डिग्री की, तो 180 डिग्री पर बल एवं बल आघूर्ण दोनों ही जीरो होते हैं, परंतु यह अस्थायी साम्य अवस्था की स्थिति में होता है क्योंकि यहां की पोटेंशियल जो होती है वो मैक्सिमम होती है, यह अस्थायी साम्य अवस्था होती है बेटा। यहां तक अपन ने पूरा क्लियर कर लिया था, आई थिंक अच्छे समझ में आ गया होगा, आपने विद इन 1 मिनट जो है आपने इसको पूरा रिपीट भी कर लिया। अब आज बात करने वाले हैं बेटा उसी से कंटिन्यू आगे, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सतत आवेश वितरण, सतत आवेश वितरण। तो बात कर रहे हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, सतत आवेश वितरण की। वैसे अपन पहले पढ़ चुके हैं कि जो आवेश जो होता है एक क्वांटीकृत भौतिक राशि होती है। क्वांटीकृत भौतिक राशि का मतलब अपन ने कहा था आवेश का मान कभी भी सतत रूप से नहीं हो सकता है, विभक्त रूप से होता है, पैकेट्स के रूप में होता है, या फिर एक न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज के रूप में होता है, सतत नहीं होता है, विभक्त होता है। पर आज अपन अभी लिख रहे हैं सतत आवेश वितरण, तो सर ये क्या कहानी है? तो यहां अभी भी वही बात है, आवेश जो है वो एक क्वांटीकृत भौतिक राशि है, आवेश कभी भी सतत नहीं हो सकता है, आवेश का मान हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज ही होता है। पर यहां आवेश सतत वितरण का मतलब है जब आप किसी बॉडी को चार्ज करो और चार्ज करने के दौरान आवेश जो उसके ऊपर है उनके बीच की जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो बहुत लेस हो, बहुत पास पास में हो, तो उसे बोल दिया जाता है सतत आवेश वितरण। क्या सर कैसे? जैसे अपन जनरली बात करते हैं एक चार्ज पार्टिकल यहां लिया लाइक जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन, दूसरा यहां लिया तो ये भी इलेक्ट्रॉन ले लिया या प्रोटोन ले लिया, तो ये द्वि आवेश निकाय हो गया, इसको कभी भी अपन सतत आवेश वितरण नहीं कह सकते। पर यही अगर अपन क्या करें किसी मेटल पे, किसी बॉडी पे ले, और बॉडी के ऊपर जैसे ये मैंने बॉडी ले ली और इसी बॉडी को मैंने चार्ज किया, चार्ज करने के लिए एक ही सिंपल सा तरीका है, या इलेक्ट्रॉन इसको दो या इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना, ठीक है। अब जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालते हो या इलेक्ट्रॉन देते हो, दोनों ही सिचुएशन में चार्ज प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रॉन देने पे नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पे पॉजिटिव चार्ज।
अब यहां से जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन आप यहां से रिमूव करोगे या ऐड करोगे तो यहां पर जो चार्ज प्रोड्यूस होगा मे बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है, तो वो उतना ही नियर होगा, उतना ही नियर होगा, जितना चार्ज नियर होगा तो उस केस में उसको अपन बोलेंगे सतत आवेश वितरण। अगर आपने इसमें से और इलेक्ट्रॉन रिमूव किए तो ये आवेश और नियर होंगे, इनकी सेपरेशन डिस्टेंस और पास में होगी, तो इस कंडीशन को अपन बोल देते हैं सतत आवेश वितरण। तो यहां सतत आवेश वितरण का मतलब यह नहीं कि हर एक संभव मान आपको मिलेगा, यहां पर सतत आवेश वितरण का मतलब है जो आप उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालोगे और बॉडी चार्ज होगी या इलेक्ट्रॉन जोड़ने पे जो बॉडी चार्ज होगी उन चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो नियर होगी, मतलब लेस होगी, कम होगी, कम होगी, उसको अपन कह रहे हैं बेटा यहां सतत आवेश वितरण। ठीक है, तो यहां पर सतत आवेश वितरण का मतलब समझ चुके होंगे आप। अब सतत आवेश वितरण जो होते हैं, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो जनरली तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, और ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेशन है बेटा वो भी बॉडी या वस्तु के आकार आकृति या उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। तो यहां पर मैं कह रहा हूं बेटा सतत आवेश वितरण जो है वो जनरली थ्री टाइप्स का हो सकता है। अब थ्री टाइप्स कौन कौन से उसको देखेंगे बेटा, तो यहाँ जनरली जो अपन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर सकते हैं वो मेनली थ्री टाइप्स के हो सकते हैं आपके पास में। फर्स्ट है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब रेखीय आवेश वितरण। सेकेंड है बेटा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब पृष्ठीय आवेश वितरण। और थर्ड है बेटा आयतन आवेश वितरण, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा आयतन आवेश वितरण तो मुख्य तीन प्रकार की अपन ले सकते हैं, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। अब यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुए तो ये डिपेंड करता है बेटा बॉडी स्ट्रक्चर पे, बॉडी स्ट्रक्चर पर। जनरली आपके थ्री टाइप्स की बॉडी हो सकती है, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल। तो उसी की बेसिस पे जो है यहाँ पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी अपन ने वन डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल कर रखा है। अब अपन चर्चा करेंगे बेटा अलग अलग एक एक को, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इनके सिंबल्स के बारे में। देन नेक्स्ट, तो सबसे पहली बात आई बेटा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रेखीय आवेश वितरण की। तो रेखीय आवेश वितरण में मैं बता दूं बेटा सबसे पहली बात, ये जो डिफाइंड होती है वो केवल और केवल उन वस्तुओं के लिए होती है जो लीनियर होती है। कैसी होती है? लीनियर बेटा, रेखीय वस्तुओं के लिए। रेखीय वस्तु, रेखीय वस्तु का मतलब हो गया तार या छड़, तार या छड़, रॉड जो होगी उनके ऊपर जब भी चार्ज दोगे तो उसको बोला जाएगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे ये एक आपने छड़ ले ली और छड़ को क्या किया, चार्ज कर दिया। ये इसका चार्ज जो है सपोज Q है और इसकी लेंथ जो है L है, लेंथ क्या है, L है। तो यहां पर बात करें रेखीय आवेश वितरण की तो इसमें सिंपल सी बात कहेंगे कि जब भी किसी चालक छड़ या तार को आवेशित किया जाता है तो इस प्रकार का आवेश वितरण रेखीय आवेश वितरण कहलाता है, जिसमें आवेश जो है वो किसी अक्ष या रेखा के अनुदेश होता है, अक्ष या रेखा के अनुदेश होता है। तो पहली सिचुएशन आ गई, जब आवेश अक्ष या रेखा के अनुदेश वितरित होता है तो उसे कहते हैं रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण। क्लियर? तो यहां पर मैंने माना कि मेरे पास कोई एक L लंबाई की छड़ है जिसको मैंने Q आवेश दे रखा है। यहां पर एक दूसरा वर्ड यूज में आता है बेटा रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है उसको समझे, इकाई लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा जो होती है उसे कहा जाता है बेटा रेखीय आवेश घनत्व, जिसको प्रदर्शित किया जाता है लैम्डा से। बेटा किससे प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो वो देखें लैम्डा, इसे कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व का मतलब होता है इकाई लंबाई पर उपस्थित आवेश, इकाई लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को कहा जाता है रेखीय आवेश घनत्व। बेटा तो यहां अपन देखें तो अपन कह सकते हैं क्या, L लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा है Q, तो इकाई लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा लैम्डा इज इक्वल्स टू क्यू बाई एल, क्यू बाई एल। ये अब यहां ध्यान देना, इकाई लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व, लैम्डा। क्या कहते हैं? लैम्डा। अब इससे रिलेटेड कुछ बातें, लैम्डा
इसका मात्रक यूनिट, यूनिट चार्ज का मात्रक कूलम, लेंथ का मीटर कूलम पर मीटर। डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन चार्ज के लिए होता है A1 T1, लेंथ के लिए होता है L1, तो L1 ऊपर चला जाएगा तो आपको मिलेगा क्या M0 L-1 T1 A1, T1 A1। तो आपके पास जो आया लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाय L, आप इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखे तो डिफरेंशियल फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बाय डीएल, डी क्यू बाय डीएल, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। कभी कभी जरूरत पड़े तो ऐसे भी कर सकते हैं, डी क्यू की वैल्यू कभी फाइंड करनी पड़े तो डी क्यू, डी क्यू इज इक्वल टू लिखा जाता है लैम्डा इंटू डीएल, लैम्डा इंटू डीएल भी लिखा जाता है। तो कन्वर्जन करना आना चाहिए आपको, जब जिसकी रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग इसको यूज कर सको। तो पहला केस देखा अपन ने रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण, तो रेखीय आवेश वितरण में सिंपल सी बात है, जब भी कोई आवेश किसी अक्ष या रेखा के अंदर वितरित होता है तो उसे अपन कहते हैं रेखीय आवेश वितरण। क्या कहते हैं? रेखीय आवेश वितरण, अक्ष या रेखा के अंदर वितरित हो तो जनरली तार या छड़ पे देखने को मिलेगा। दूसरी बात की अपने रेखीय आवेश घनत्व की, तो रेखीय आवेश घनत्व का मतलब होता है किसी तार की इकाई लंबाई पर, रेखीय आवेश घनत्व का सिंपल सा मतलब होता है इकाई लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व, जिसको प्रदर्शित किया जाता है बेटा लैम्डा से। किससे प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा से। तो यहां पर मैंने माना एल लंबाई की छड़ पे क्यू आवेश है, एल लंबाई की छड़ पे क्यू आवेश है, तो मैं सिंपल सा लिख सकता हूं एल लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा क्यू है तो इकाई लंबाई पर क्या होगी? लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू आएगी क्यू बाय एल, क्यू बाय एल, जिसका मात्रक हो जाएगा कूलाम पर मीटर, और डायमेंशन आपके सामने है। डिफरेंशियल फॉर्म देखना चाहो तो डिफरेंशियल फॉर्म भी अपन ने लिख रखी है, लैम्डा इज इक्वल टू dq अपॉन dl लिख सकते हैं, या कभी आपको dq की रिक्वायरमेंट हो जाए और आपको लैम्डा गिवन हो तो dq इज इक्वल टू लैम्डा इनटू dl भी लिख सकते हैं। क्लियर? अब यहां पर इसको यूज कैसे करना है, ठीक है, वो भी एक छोटा सा एग्जांपल करके देखते हैं। सपोज कभी आपको कोई रेखीय चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा हो और उसके कारण किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पूछ ले, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पूछ ले तो आप कैसे करोगे? तो मैं जनरली यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लेता हूं कि किसी पॉइंट पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको करना है क्या, सपोज आपको ये पॉइंट दे दिया, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो यहां से जो भी आपको एक एलिमेंट लेट करना है, एलिमेंट लेट करोगे अल्पांश, ये सपोज डीएल लंबाई का अल्पांश लेट कर लिया। अब इस डीएल लंबाई के अल्पांश का जो चार्ज होगा वो कितना होगा? डी क्यू। कितना होगा? डी क्यू। डी क्यू लेट कर लिया और इसकी सेपरेशन डिस्टेंस लेट कर ली मैंने। हाँ, तो यहां पर जो आपने एलिमेंट लेट किया वो एज ए पॉइंट चार्ज होगा, बिंदु आवेश होगा, और बिंदु आवेश का जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका फॉर्मूला अपन सबको पता है, उसका फॉर्मूला था के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, और यहां पर मैं इसको एक बिंदु आवेश की तरह लेट कर लूंगा। तो इस अल्पांश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र आएगा उसकी वैल्यू आएगी बेटा डीई इज इक्वल टू के क्यू, अब क्यू जो आएगा वो आएगा डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो ये आ गया आर स्क्वायर। अब यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया इस पॉइंट पर वो केवल और केवल इस अल्पांश का आया है। आप टोटल निकालना चाहते हो तो इसको करोगे इंटीग्रेट, इसको करोगे इंटीग्रेट, समाकलन करोगे, समाकलन करने पर जब इंटीग्रेट करूंगा तो डीई का इंटीग्रेशन जो हो जाएगा वो तो ई हो जाएगा, के कॉन्स्टेंट है बाहर ले लेता हूं, इंटीग्रेशन होगा डी क्यू और है आर स्क्वायर। अब यहां जो डी क्यू की वैल्यू होगी उसको लिखूंगा मैं इंटू, डी क्यू को लिखूंगा लैम्डा इंटू डीएल अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या सर, ये कहां से आया? तो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डीएल, तो यहीं से डी क्यू की वैल्यू बनती है लैम्डा डीएल। ये तो ये डीएल लंबाई का अल्पांश डी क्यू की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा इंटू डीएल, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे और अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालें। कैसे, अगर इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू निकालनी होती तो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है एफ इज इक्वल टू क्यू इनटू ई, क्यू से मल्टीप्लाई कर लेते ई को तो आपको इलेक्ट्रिक फोर्स भी मिल जाता। क्लियर? तो ये बात हुई बेटा रेखीय आवेश वितरण की। अब बात करूंगा बेटा पृष्ठीय आवेश वितरण की। बेटा तो सेकंड आया है बेटा अपने पास पृष्ठीय आवेश वितरण, बेटा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
अब ये पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होता है, नाम से पता चल रहा है पृष्ठीय आवेश वितरण, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। या जब भी किसी बॉडी को आपने चार्ज दिया और अगर चार्ज केवल और केवल सरफेस पे अंदर फैल रहा है तो बेटा वो कहलाएगा पृष्ठीय आवेश वितरण। ठीक है बेटा, तो जब भी किसी बॉडी को चार्ज दो और चार्ज केवल सरफेस पे रहता है तो उसे कहते हैं बेटा पृष्ठीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण। अब ये कहां कहां देखने को मिलेगा, तो सबसे पहली बात बेटा ये कभी भी वन डायमेंशनल बॉडी में देखने को नहीं मिलेगी, रेखीय तार है या छड़ है तो वहां पर कभी भी आपके पास में पृष्ठीय आवेश वितरण नहीं होगा। तो सर क्या होगा, वह होगा रेखीय आवेश वितरण। ठीक है, तो बात करते बेटा दूसरी कौन सी बॉडी हो सकती है, तो वो होगी बेटा पृष्ठ। जैसे आपने लिया परत, चद्दर, पट्टिका, परत, तो आपने लिया परत। अब परत चालक हो चाहे कुचालक हो, उसमें जो वितरण मिलेगा वो मिलेगा आपको पृष्ठीय आवेश वितरण। या फिर आप ले सकते हो चालक पट्टिका, चालक पट्टिका, उसमें भी आपको मिलेगा रेखीय आवेश वितरण। क्या सर कुचालक, कुचालक पट्टिका में नहीं मिलेगा, क्योंकि कुचालक को दिया गया आवेश जो होता है उसको संपूर्ण आयतन में जाता है, संपूर्ण आयतन में जाता है। जबकि चालक पट्टिका जो होगी, जैसे ये चालक पट्टिका है और आपने चार्ज दिया है, तो चार्ज केवल और केवल सरफेस पे रहेगा, चार्ज जो होगा वो कहां रहेगा, सरफेस पे रहेगा। ये ऐसे क्लियर। तो दूसरा मिल सकता चालक पट्टिका, ये अगर आपने कोई भी चालक ले रखा है चाहे ठोस हो चाहे खोखला हो, कैसा भी हो, ठोस या खोखला, चालक गोला जी। अगर गोले में बात करूं कुचालक के लिए, तो कुचालक में केवल केवल खोखला कुचालक गोला, खोखला कुचालक गोला। तो यहां देखना बेटा एक बात से वापस से समझना, जब बात की जाती है पृष्ठीय आवेश वितरण की, तो पृष्ठीय आवेश वितरण जो होता है वो सभी चालकों में देखने को मिलेगा केवल और केवल रेखीय को छोड़कर, छड़ या तार को छोड़कर, चाहे वो टू डायमेंशनल बॉडी है चाहे थ्री डायमेंशनल बॉडी है, चालक है, जो भी आवेश चालक को दिया जाता है वो केवल और केवल सरफेस पे रहता है, तो वहां पर पृष्ठीय आवेश वितरण देखने को मिलेगा। पर जो कुचालक होते हैं उस कुचालक को जब भी आवेश दिया जाता है वो उसके संपूर्ण आयतन तक जाते हैं बेटा। इसलिए जब भी कुचालक की बात की जाएगी, कुचालक, तो कुचालक जो भी होना चाहिए, या तो कुचालक परत होनी चाहिए जैसे कुचालक परत, या फिर खोखला गोला या खोखली बॉडी होनी चाहिए बेटा, तो वहां कुचालक को दिया गया आवेश भी कहां रहेगा, सरफेस पे रहेगा। समझ गए। अब यहां अपन चर्चा करते हैं, जैसे अपन ने कोई प्रश्न लिया, ये इस प्रश्न को आवेश दिया, आवेश जो है एक समान रूप से इस प्रश्न पे फैल गया, ये तो पृष्ठीय आवेश वितरण की बात करें, तो पृष्ठीय आवेश वितरण में सिंपल सा क्लियर हो गया कि जब भी किसी चालक को या कुचालक परत को आवेश दिया जाए और आवेश केवल और केवल उसके सरफेस के ऊपर रहे, पृष्ठ के ऊपर वितरित हो, तो उसे कहते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। तो नेक्स्ट आता है बेटा पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व का मतलब होता है एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा जो होती है वो कहलाती है पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को कहा जाएगा पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो मैं लिखूंगा यहां पर क्या, सिग्मा, तो सिग्मा होगा क्या, कुल आवेश बटा क्षेत्रफल, मतलब क्यू अपॉन ए, क्यू अपॉन ए। तो सिंपल सा आप लिख सकते हो सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, या फिर आपको जरूरत पड़े तो इस फॉर्म में लिख सकते हो डी क्यू अपॉन डी ए, डिफरेंशियल फॉर्म में। बात करें इसके मात्रक की, मात्रक की, तो आवेश का मात्रक वही कूलाम और एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। बात करें डायमेंशन की, तो डायमेंशन m0 क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा l2, ऊपर ऊपर जाएगा तो माइनस टू, और चार्ज का हो जाएगा t1a1, तो ये इसकी हो जाएगी डायमेंशन बेटा, ये होगी इसकी डायमेंशन। अब यदि आपको किसी पृष्ठ के कारण, पृष्ठ के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो कैसे करेंगे, इनका यूज कैसे करेंगे, तो वो देखें इधर। जस्ट सपोज ये एक पृष्ठ है जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, और इस पृष्ठ के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, तो अपन को अपन को पता है कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है KQ अपॉन आर स्क्वायर, KQ अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां पर भी एक अल्पांश लेंगे, और अल्पांश जो होगा वो क्षेत्रफल अल्पांश होगा,
अल्पांश जो होगा वो क्षेत्रफल अल्पांश होगा, जब अपन लेंगे डीए डीए। अब ये जो डीए क्षेत्रफल अल्पांश है वो मेरा बिंदु आवेश के समान मान लिया जाएगा, जिसका आवेश मान लूंगा मैं डी क्यू, क्या मान लूंगा डी क्यू। तो इस डी क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी, जनरल फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब यहां पर मेरा फॉर्मूला बनेगा डी इज इक्वल टू के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला आएगा मेरे पास। अब यहां पर बात आती है कि सर डी क्यों लिखा, क्योंकि यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र है वो पूरे आवेश के कारण नहीं है, केवल केवल एक अल्पांश के कारण है, इसलिए जब डी क्यू आवेश लिया तो वैद्युत क्षेत्र भी डीई प्रोड्यूस होगा। कि सर पूरा निकालना हो तो समाकलन करो, तो क्या करो समाकलन करो, तो समाकलन करने पर जब इंटीग्रेशन करोगे तो डीई का इंटीग्रेशन जो होगा वो ई होगा, के कॉन्स्टेंट हो जाएगा और यहां पर ये डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब डी ई का इंटीग्रेशन तो लिख दूंगा मैं ई, जबकि डी क्यू की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, तो डी क्यू की वैल्यू आएगी बेटा सिग्मा इंटू डी ए, सिग्मा इंटू डी ए, क्योंकि सिग्मा जो होता है वो होता है डी क्यू अपॉन डी ए, सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी ए। एकांक क्षेत्रफल पे जो आवेश है वो सिग्मा है, तो डी ए क्षेत्रफल पे आवेश होगा सिग्मा इंटू डी ए इज इक्वल टू डी क्यू। तो डी क्यू की वैल्यू पुट करेंगे तो ई डी ई का आ जाएगा ई, ये के, और dq की वैल्यू होगी इंटीग्रेशन सिग्मा dA अपॉन r स्क्वायर जी। तो इस प्रकार से इसका यूज करके बेटा अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी पृष्ठ के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी निकाल सकते हैं। तो ये अपने देखा पृष्ठीय आवेश वितरण, और अब बात करने वाले हैं बेटा लास्ट आयतन आवेश वितरण की, आयतन आवेश वितरण की बेटा। तो नेक्स्ट चर्चा कर रहे हैं बेटा अपन आयतन आवेश वितरण की, और आयतन आवेश वितरण जो होगा वो केवल केवल थ्री डायमेंशनल बॉडी होगा, और थ्री डायमेंशनल बॉडी में भी वो बॉडी जो कुचालक है, ठोस और कुचालक है। कैसा लगा थ्री डायमेंशनल अगर मेटल हुआ तो उसके लिए भी डिफाइंड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मेटल को जब भी चार्ज दोगे चार्ज केवल सरफेस पे रहेगा, मेटल को जब भी चार्ज दोगे चार्ज कहां रहेगा सरफेस पे रहेगा। तो आयतन आवेश वितरण जो होता है वो केवल और केवल कुचालक ठोस वस्तुओं के लिए होगा, कुचालक और ठोस वस्तुओं के लिए होगा, क्योंकि कुचालक को दिया गया आवेश जो होता है उसके संपूर्ण आयतन के अंदर फैलता है, और उसमें भी अगर वो खोखला हो गया, क्योंकि आवेश हमेशा वहां होता था मटेरियल होता है, अब खोखला होगा जब अंदर मटेरियल ही नहीं होगा तो अंदर आवेश आएगा कहां से, अंदर आवेश आएगा कहां से। तो इसके लिए जरूरी है कुचालक हो और कुचालक में भी ठोस हो बेटा, तो उसमें आवेश यूनिफॉर्मली एक समान डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये जो डिफाइंड होता है वो केवल और केवल कुचालक ठोसों के लिए होगा बेटा। तो आयतन आवेश वितरण का मतलब होता है कि जब भी आप किसी ठोस कुचालक को आवेश देते हो और संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित होता है तो उसे बोलते हैं आयतन आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण। क्लियर। दूसरा यहां पर बात होती है आयतन आवेश घनत्व की, आयतन आवेश घनत्व की, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे अपन बेटा रो से, ये रो से। तो आयतन आवेश घनत्व का मतलब होता है एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा। तो यहां पर आएगा आवेश बटा आयतन, मतलब क्यू अपॉन वी, या फिर आप इसको लिख सकते हो टू डी क्यू अपॉन डी वी डिफरेंशियल फॉर्म में, जरूरत पड़ जाए तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो डी क्यू इज इक्वल टू रो इंटू डी वी, रो इंटू डी वी। अब यहां अगर इसकी यूनिट की बात करें या डायमेंशन की बात करें, यूनिट चार्ज अपॉन वॉल्यूम है, तो चार्ज के लिए तो हो गया कूलम, वॉल्यूम के लिए हो गया मीटर क्यूब। क्लियर। डायमेंशन की बात करूं तो चार्ज के लिए ए वन टी वन और वॉल्यूम के लिए एल थ्री, पर ऊपर जाएगा तो एम जीरो एल, ऊपर गया माइनस थ्री टी वन ए वन, ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी, ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी। अब यहां पर भी अगर कोई आपके पास आयतन आवेश वितरण है और उसके कारण किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो सेम वैसे ही निकालेंगे जैसे अपन ने पहले निकाला। सबसे पहले अपन ने लिया था डीएल लंबाई का अल्पांश, फिर लिया डीए क्षेत्रफल अल्पांश, अब लेंगे बेटा डीवी आयतन अल्पांश, क्या लेंगे आयतन अल्पांश। तो ध्यान देना इधर,
अगर ये कोई 3D बॉडी है, 3D बॉडी के अंदर टोटल चार्ज जो है वो Q है और इसका वॉल्यूम V है और आयतन आवेश घनत्व रो है, तो उस सिचुएशन में अगर मुझे किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो इस बिंदु पर, तो यहां पर लूंगा मैं आयतन अल्पांश, एक छोटा सा अल्पांश लेंगे, ऐसा आयतन, जिस आयतन का अल्पांश लिया dV, क्या लिया dV, और उससे दूरी अगर मान ली मैंने r, क्या मान ली r, तो बिंदु आवेश का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है kq upon r square, तो यहां पर इसको भी मानेंगे बिंदु आवेश और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी dE इज इक्वल टू k dq upon r square। अब यहाँ dq की जो वैल्यू आएगी वो ये रही, dq इज इक्वल टू रो इंटू dV बनेगा और समाकलन करेंगे इसका, इंटीग्रेशन करोगे dE का, इंटीग्रेशन E हो जाएगा, k कांस्टेंट होगा, बाहर आ जाएगा और dq की जगह लिखा जाएगा रो dV अपॉन r स्क्वायर, ये इस प्रकार से क्लियर। मतलब फॉर्मूला वही है, kq अपॉन r स्क्वायर जब आप पांच की फॉर्म में लोगे तो वहां dq लिख दोगे और dq लिखने के बाद में अब किस फॉर्म में, अगर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो लैम्डा इंटू dl हो जाएगा, अगर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो सिग्मा इंटू dA हो जाएगा, और अगर आयतन आवेश वितरण है या फिर आयतन आवेश घनत्व है तो रो इंटू dV हो जाएगा बेटा। क्लियर, कॉन्सेप्ट वही है, केवल अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से अप्लाई करना। तो एक फास्टली इसको वापस रिपीट कर लेते हैं, तो अभी अपन ने चर्चा की बेटा सतत आवेश वितरण की, तो सतत आवेश वितरण का मतलब है आवेश के बीच में जो सेपरेशन डिस्टेंस होगी वो कम होगी, आवेश कंटिन्यूसली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसका सतत मान नहीं है, सतत वितरण है बेटा, सतत मान नहीं है, सतत वितरण है, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। तो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन अपन ने पढ़ा कि ये थ्री टाइप्स का होगा, जनरली थ्री टाइप्स की बॉडी होती है, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल, ठीक है। तो यहां पर भी एक विमीय आवेश वितरण, द्विविमीय आवेश वितरण और त्रिविमीय आवेश वितरण। एक विमीय आवेश वितरण का मतलब होता है रेखीय आवेश घनत्व, जिसमें आवेश जो होगा वो किसी अक्ष या रेखा के अनुदिश होगा और इकाई लंबाई पर जो आवेश आएगा उसे कहूंगा रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू dq अपॉन dl या q अपॉन f। दूसरा आपने देखा पृष्ठीय आवेश वितरण, तो पृष्ठीय आवेश वितरण जो होता है वो सभी टू डायमेंशनल बॉडी, कोई भी चद्दर है चाहे मेटल की है चाहे नॉन मेटल की, दोनों के लिए होगा, ठीक है। पर अगर थ्री डायमेंशनल बॉडी है तो थ्री डायमेंशनल बॉडी में केवल और केवल किसके लिए, मेटल्स के लिए, धातुओं के लिए आवेश पूरा सरफेस पर रहेगा। और अगर कुचालक है तो कुचालक में भी खोखली होनी चाहिए, कुचालक में भी कैसी होनी चाहिए, खोखली होनी चाहिए जब आवेश सरफेस पे आएगा। तो वहां पर लेते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व का मतलब होता है सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, आवेश अपॉन क्षेत्रफल, आवेश अपॉन क्षेत्रफल, उसका भी अपन ने मात्रक को विमा देखा। और लास्ट आता है बेटा आयतन आवेश घनत्व या आयतन आवेश वितरण, जब किसी मटेरियल को आप चार्ज दो, चार्ज उसके संपूर्ण वॉल्यूम में, संपूर्ण आयतन में फैल जाए बेटा, तो उसे कहते हैं आयतन आवेश वितरण। और ये केवल और केवल किसके लिए होगा, कुचालक ठोसों के लिए होगा, कुचालक ठोसों के लिए होगा, क्योंकि कुचालक में आवेश जो होता है वो एक समान रूप से वितरित होता है। उसके लिए बात होगी आयतन आवेश घनत्व की, उसको रिप्रेजेंट करते हैं रो से, रो का मतलब होता है क्यू अपॉन वी, मतलब एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा, जिसको आप dq अपॉन dV की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये अपन ने देखा बेटा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आवेश वितरण, क्लियर, चले आगे। तो ये आज पढ़ा अपन ने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आज इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन डिस्कस करेंगे बेटा गॉसस लॉ, गॉस का नियम, इस चैप्टर का सबसे मतलब सबसे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसपे बहुत सारे फॉर्मूले बनेंगे, कॉम्पिटिशन पर्पज से देख लो या फिर तुम लोग बोर्ड पर्पज से देख लो, दोनों में ही बहुत मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में गॉसस लॉ के साथ बेटा, ओके बाय।